रेडी सर, किसको बुलाना आप? कुछ राइट, तो क्वेश्चन आंसर राउंड अप होगा. मे आई प्लीज इनवाइट मिस्टर एमपी सिंह, मिस्टर दानिश खान, मिस्टर आशीष गोलवालकर, सीनियर क्रिएटिव डायरेक्टर, प्रोग्रामिंग चैनल सेट, एंड मिस्टर इंद्रनील चक्रवर्ती, सीईओ बिग सिनर्जी. कैन आई प्लीज इनवाइट यू ऑन स्टेज? एंड ऑफ कोर्स सलमान सर. Oh my God! I saw on the way here. God, that was really funny. तो दो जरूरी बातें ये सेशन शुरू करने से पहले. एक तो ये कि क्योंकि ये रिकॉर्डेड शो है तो आप सवाल प्लीज माइक पर ही पूछिएगा. आप अगर हाथ उठाएंगे तो वील पिक द क्वेश्चंस एंड देन हैव द माइक सेंट ओवर टू यू. दूसरी बात ये कि गुजारिश है जितना हो सके इस शो के इर्द गिर्द ही सवालों को रखिएगा जितना हो सके. एंड ऑफकोर्स Let's begin. ना हो सके तो कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके भाईजन, भाईजन ऑन योर लेफ्ट, यहाँ पे पापा जी, यहाँ पे. हाँ जी, दिस इज सिमरन सिंह हियर फ्रॉम बुक माय शो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड द टीम. वी आर हैप्पी टू यू नो हैव यू बैक, हैव दिस शो बैक. तो मेरा आपसे सवाल है, ऑलमोस्ट आफ्टर 9 years दिस शो इज कमिंग बैक. सो कहीं ना कहीं डिड यू ऑल्सो मिस द पार्ट ऑफ बींग ऑफ द शो, या डिड यू मिस दिस शो? कहीं हो सकता है आपके वेल विशेस ने कहा कि आप वापस आइए इस शो के साथ. यू नो दिस वाज माय फर्स्ट शो, द फर्स्ट टाइम आई एवर डिड टीवी. So there's that attachment to this show as well. So, and Singh Saab said after 9 years that we must do Dus KaDum on the 10th year. Okay. So apart from you and the interesting show, there's another thing which is called the camaraderie. Apart from the camaraderie between you and the contestant, the questions are very interesting, and that's very what funny. You know, that's what it stands out for. So कहने का ऐसा हुआ जैसे पिछले सीजन में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन थे कि कितने प्रतिशत भारतीय यू नो दूसरों को देख के खाना मंगाते हैं या खाने से पहले अपनी बेल्ट खोलते हैं. We have all those. Yes. And we have really nice सवाल्स as well. So sir, कहीं आप ऐसे कोई ऐसे सवाल थे जिससे आप एकदम रिलेट कर चुके हो जब आपके सामने आए हो? कुछ अगर आप एक दो अगर आप सवाल अगर आप जैसे अपनी आप टीचर के बारे में आपने कहा था जी, that's तो वो जिस टाइप के सवाल थे वो तो आपने सुनी लिए. अब वो बाकी के सवाल सुनने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा. पिछले दिन कितने प्रतिशत भारतीय फटी हुई अंडरवेयर पहनते हैं? सलमान आपके लेफ्ट में जी, इधर लेफ्ट. सलमान आपके लेफ्ट जी, आपसे सवाल है कि आपको ऐसे कुछ 5 सवाल जो आपको लगता है कि भारत में सबसे ज्यादा प्रतिशत में लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है जी? क्या था वो आपका? मेरा सवाल है कि ऐसे 5 सवाल जो आपको लगता है कि भारत में सबसे ज्यादा प्रतिशत लोग जानने चाहते हैं आपके बारे में, आपको जैसे ऐसा सवाल लगता एक, एक, एक सवाल सोनी ने बाहर पुट आउट किया कि कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि सलमान खान को चाय बनाने आती है. आई नो हाउ टू मेक टी. सलमान प्लीज 4 और बता दीजिए ना प्लीज. 4 क्यों? 5 का दम खेल लिया मेरे साथ. हाय सलमान जी. हाय. हाय. सिंस 9 years हैव पास्ड द प्रीवियस सीजन, Did you yourself recommend any change to the makers to make it look more relevant? No, when they came to me, only it was a lot bigger, and you know the questions this time were funny as well as you know like really meaningful. Like today we played some 5-6 questions. You know the format of the question that was asked, like that mithai wala sawal. It is basically to do with sugar and diabetes. But you know we've given it that अलग पूछने का तरीका. ये नहीं पूछा है कि कितने प्रतिशत भारतीयों को से शुगर की बीमारी है. तो इट्स टेकन डिफरेंटली के मीठा कौन घर पे छुप छुप के खाते हैं, दैट काइंड ऑफ स्टफ. और देन वी ऑल्सो हैव के दाढ़ी चुभना, मूछे चुभना, यू नो सपाट चढ़ रहना. हाय, आई एम उपमा फ्रॉम नवभारत टाइम्स. मेरा सवाल एनपी सिंह और दानिश साहब आपसे है. आप लोगों ने जब शुरू किया था तो आपने कहा था कि ये शो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पसंदीदा है आप लोगों का. तो इसको 9 साल तक का से इससे दूर रहने की क्या वजह रही, और आप जब लाने का फैसला किया तो क्या रीजन रहा? यू प्लीज डोंट थिंक दिस आईपीएल. ओके,
Lanagar, reason both clear. We always wanted to have Dus KaDum. As I said, we wanted to work on the format a bit. We wanted to work on the question a bit. और पिछले बार जब हम किए थे एक ही चीज़ जो फीडबैक आया था ऑडियंस से भी आया था हमारे डिस्कशन विद सलमान भाई वो फीडबैक आया था कि रेस्पोंडेंट का साइज बड़ा होना चाहिए तो एक कुछ चीज़ का एक समय होता है आज अगर आप देखो तो हिंदुस्तान में डिजिटल मीडिया बहुत बढ़ चुका है तो हम कभी भी रियल मार्केट रिसर्च 1.5 मिलियन लोगों के साथ कर नहीं सकते आज जो स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन है आज हम ये कर सकते हैं तो दस कदम हिंदुस्तान जैसे देश के लिए जो 130 करोड़ की आबादी है दस कदम प्रॉपरली करने के लिए ये डिजिटल पेनिट्रेशन बहुत ज़रूरत था और इस साल इसलिए 1.5 मिलियन जब आंसर आप देखेंगे तो आंसर आपको लगेगा कि सही है वो क्रेडिबल है और ऑथेंटिक है सो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट टाइम टू हैव दस कदम और बहुत मेहनत की हमने क्वेश्चंस में जो आपने देखा है So you'll get a real feel of what the format owner ever wanted to do, you know, is to get the right answer also. And Salman so we were basically going to work this Dus KaDum out that time as well, but then it suddenly just fizzled out. And I think I also got into another show, and then it was that I nahi aaye, puche nahi from my side, from their side. But then the day they came back to me, and I said yes, and here we are back on to Dus KaDum and. Both the shows will go on, you know, simultaneously without hampering each other's TRPs or, you know. And since this season, you have shot some episodes. Yes. So, what did you find in the time and now? Now, it's much better. What do you mean? 10 guna better. How do you mean? No, what do you mean? Okay, in every time. You can see. That is also what I'm worried about. कि वो जो उस वक्त का जो कनेक्ट था वो 10 साल हो गए हैं आई नो पीपल हैव सीन मी ऑन द अदर शो बिग बॉस बट आउट हियर यू नो इट्स अ वेरी डिफरेंट कनेक्ट दे आर स्टिल इनसाइड देयर सेलिब्रिटीज एंड स्टफ लाइक दैट यू नो आउट हियर द पीपल आई मेट फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार मिलता हूँ उनके साथ मेरा क्या इंटरेक्शन है यू नो वो क्या कह जाते हैं मुझे मैं उनको कैसे हैंडल करता हूँ कि आई होप कि मेरी कोई बात ह्यूमर उनको बुरी ना लगे या जो देख रहे हैं उनको ऐसा नहीं लगे कि यार ये गलत बात बोल दी सो आई हैव टू बी नॉट थिंकिंग ऑफ ऑल दैट बट आई जस्ट हैव टू बी माई सेल्फ सो दिस इज आई एम ऑल्सो वेटिंग टू सी ऑन द रिलीज ऑफ दस कदम के हाउ पीपल यू नो एक्सेप्ट मी इन दिस शो आफ्टर 10 ईयर्स यू नो इट समटाइम्स यू lose your grip, you know, sometimes you, you've gone through that peak, you know, you've, you know, lost it. So we're all here, nervous, trying to see that how it works out for us on the fourth. Okay, thank you. Hello. Welcome. Salman ji. Ji. Idhar. Ji. अच्छा मेरा सवाल ये है कि आपने बताया कि जब आपने इस शो की शुरुआत की थी तब आपकी थोड़ी सी नेगेटिव इमेज थी जी आज आपको तीन पीढ़ी के लोग चाहते हैं जी बच्चे बुड्ढे जवान और लड़कियां जी तो सबसे ज्यादा जो चाहते हैं वो है बच्चे जी तो आप इस शो में क्या कुछ ऐसा स्पेशल करेंगे जिसमें बच्चे भी आपके साथ खेल सकें मैं हूं ना सर मैं हूं ना बच्चे आपके साथ खेलना चाहते हैं बच्चे हमारे साथ खेलना चाहते हैं छोटे बच्चे लाइक आप अभी डांस दीवाने में गए थे तभी भी बच्चों ने आपके साथ बहुत धमाल किया था तो बच्चों की भी इच्छा है कि वो इस तरह के शो में आपके सामने आए तो कुछ ऐसा आप स्पेशल करने वाले हैं अब ये जवाब तो सिंह साहब और दाने साहब ही देंगे आशीष देंगे जी जैसा फॉर्मेट जो है वो 18 इयर्स और अबव क्योंकि इट इन्वॉल्व्स मनी तो वो तो हो नहीं सकता लेकिन कुछ स्पेशल डेफिनेटली यू नो बच्चों को लेके व्हाट जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है सलमान भाई का बच्चों के साथ बहुत जबरदस्त कनेक्ट है तो कुछ किसी तरह से जरूर हम लोग उनको लेके आएंगे एनीवेज जो कॉन्टेस्टेंट्स आते हैं उनके साथ उनकी फैमिली रहती है यू आर अलाउड टू टॉक टू देम तो बच्चे रहते हैं यहाँ पर ऐसा बच्चे रहते हैं और फिर बच्चे टीवी के सामने भी रहते हैं तो वो देख लेते हैं अच्छा और उनको देखना ज्यादा पसंद है इंस्टेड ऑफ खेलना वो क्रिकेट फुटबॉल हॉकी PS4 3 2 1
वो सब वो ज्यादा उसमें इंटरेस्टेड हैं और इसमें फिल्म स्टार्स भी आएंगे और जब रेस आएगी तो उसमें शायद हाँ वही रेस 3 का प्रमोशन होगा इसमें रेस 3 का हाँ हो चुका है ऑलरेडी और स्टार कास्ट दिखेंगे मतलब लाइक हमेश ने बहुत मजा आई थी लास्ट ईयर भी जी जैसे ये खेल के गए वैसे वो भी खेल के गए इमेजिनरी ओके मतलब जीते हैं लेकिन उनके हत्ते कुछ नहीं लगा ओके थैंक यू मिस्टर सिंह हाय ज्योति फ्रॉम जूम इस तरफ जी मेरा सवाल ये है कि अनाउंस होने के पहले ही जब से ये न्यूज़ आ रही थी कि 10 का दम बन रहा है उसी समय कई ये भी न्यूज़ आई थी कि दूसरे होस्ट हो सकते हैं जैसे रणवीर सिंह कई नाम आ रहे थे तो क्या प्लानिंग थी या सलमान के डेट इश्यूज थे क्या मतलब ओवरऑल जानना चाहेंगे नहीं ऐसा कभी कोई प्लान नहीं रहा और 9 साल हम लोगों ने वेट किया कि कब हम आपस में काम कर सकें ये बहुत मसरूफ सुपरस्टार हैं हमारे इंडस्ट्री के एंड जब अभी हमें मौका लगा कि उनके उनकी अवेलेबिलिटी और फॉर्मेट की अवेलेबिलिटी दोनों थे तो हमने कहा ये सही वक्त है 10 साल के बाद दोबारा ये शो करने का बीच में ऐसा कभी कोई हमने कुछ सोचा नहीं कि किसी और के साथ ये शो किया जाए बट दैट इज अ फैक्ट वंस 10 कदम फ्रॉम मी वेंट You know, Singh Saab has never ever thought of anyone else hosting it but me. That I've also heard and he's also mentioned this to me. And it's a proof that 9 years have gone by and they could have very easily done Dus KaDum with anybody else. Like, for example, Big Boss was Arshad Varshi, Shilpa Shetty, Amit Ji, you know, then me. जी सलमान मेरा आपसे सवाल है कि बिग बॉस और 10 कदम बिग बॉस का प्रोमो भी आउट हो चुका है कंटेस्टेंट्स के तो किस तरह से शूट होने वाले हैं दोनों चीजें आप कैसे एडजस्ट करने वाले हैं एक्चुअली व्हाट आई वांटेड ना दैट दीस कैमरास शुड हैव बीन इन द स्लॉट्स वेयर वी हैव आवर कैमरास सो यू कैन हैव कवर्ड एवरीथिंग प्रॉपर्ली फ्रॉम ऑल द डिफरेंट एंगल्स बट वो हुआ नहीं सो यू विल गेट वन एंगल व्हिच इज नाइस Okay, hi Salman. This is Arlene from Punjab Kesari. Yeah. I want to know what kind of changes you find in between the 9 years in the contestant. Are they more smarter and are they more confident? I don't know because with me, even the contestants have grown up or not grown up. So for me, it is exactly what it was, you know, 9 years ago. So it's just that the questions now are fun and everything as well, but still they are very earthy. They are related to Mitti, you know, to our grassroots. So that is what is good. So on every sawal, we have to do pros and cons. So that has been a superb journey for me. N.P. Singh ji, aap se ek sawal hai aapke left mein. इस शो को आपने मंडे ट्यूसडे को रखा है मोस्टली वीकेंड्स पे रखा था उसकी कुछ खास वजह दानिश आप ही बताइए नो जैसे वीकडे में एक वैरायटी लाने का एक सोनी का प्रयास रहा है पिछले साल आपने देखा होगा हमने केबीसी लाया था इस साल जो प्रीमियम इंपैक्ट शो होते हैं वो हम वीकडे प्राइम में लाना चाहते हैं पिछले साल केबीसी हमने लाया था 9 बजे इस साल 10 कदम ला रहे हैं 8:30 बजे प्राइमरी बिकॉज छोटे शहर में आजकल टेलीविज़न मेजरमेंट है और टेलीविज़न बहुत बड़ा है वहाँ पे जल्दी सो जाते हैं ये करीब 1.5 घंटा चलता है तो बेसिकली वी वांटेड टू एंड द शो एट अराउंड 10 सो 8:30 to 10 मंडे ट्यूसडे है और हमारा दूसरा शो क्रॉस रोड आएगा वेडनेसडे से फ्राइडे तो थॉट है कि वीकडे में जो जनरली आप अगर देखें तो ऑप्शन क्या है सिर्फ सीरियल है having a show like this on weekday certainly makes a lot of difference and it's a ek ek